उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक शिक्षक की हैवानियत का मामला सामने आया है। एआई कलयुग के शिक्षक ने दो का पहाड़ा न सुनाने पर कक्षा 5 के मासूम छात्र के हाथ पर ड्रिल मशीन चला दी। गनीमत रहे कि समय रहते दूसरे छात्र ने ड्रिल मशीन का स्विच बंद कर दिया, लेकिन इस दौरान पीड़ित छात्र मामूली रूप से जख्मी हो गया। इस घटना के बाद से स्कूल के छात्रों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारी भी पहुंच गए। दरअसल सीमा मऊ में रहने वाले शिव कुमार का 11 साल का बेटा विवान प्रेम नगर उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5 में पढ़ता है। विवान ने बताया कि बीते गुरुवार को टीचर अनुज ने दो का पहाड़ा सुनाने को कहा। जब वह पहाड़ा नहीं सुना पाया तो टीचर गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने उसके हाथ पर ड्रिल मशीन चला दी। ऐसे बच्चे का हाथ जख्मी हो गया, वहीं दूसरे छात्र की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। इस घटना की अगले दिन यानी कि शुक्रवार को मामले की जानकारी मिलने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह और खंड शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की और बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी को मामले की रिपोर्ट बनाकर भेजने के भी निर्देश दे दिए हैं। बीएसए ने बताया कि मामले पर रिपोर्ट मिलते ही प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित करने की कार्यवाही की जाएगी। वहीं स्कूल में तैनात प्रभारी इंचार्ज सुभाष चंद्र ने बताया कि बीएलओ की ड्यूटी के चलते वह गुरुवार को स्कूल में नहीं थे। जब शुक्रवार को परिजनों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा काटना शुरू किया तब उन्हें मामले की जानकारी हुई। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी बीएसए समेत अन्य अफसर मामले की जांच करने के लिए स्कूल पहुंच गए। स्कूल के इंचार्ज सुभाष चंद्र ने बताया कि मेंटेनेंस का काम करने के कारण स्कूल में कारपेंटर की एक ड्रिल मशीन रखी हुई थी। उन्होंने कहा कि टीचर ने बच्चे को डराने की कोशिश की थी, लेकिन वह छात्र के हाथ पर चल गई थी। फिलहाल इस मामले में जांच करवाई जा रही है। सर जी ने हमसे कहा कि विवान को बुला लाओ, हम बुला लाते तो दो का टेबल सुन रहे थे, फिर नहीं सुना पाए तो उसके हाथ में ड्रिल मशीन चला दिया। सर जी का क्या नाम है? अनुज सर। और हमने उत्ते में प्लग हटा दिया था। तुमने प्लग हटाया तब इनके, तब ये बच पाया, वरना और चोट लग जाती इसको। ये इसने क्या किया था जो सर ने इसके हाथ में ड्रिल मशीन चला? दो का पहाड़ा नहीं सुना पाया था। बिटिया क्या नाम है तुम्हारा? अनन्या नाम है। तुमसे यहाँ स्कूल में क्या कराया जाता है? झाड़ू पोछा कराते हैं। कौन कराता है? कौन मैम है? मरियम मैम। और बेटा तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, तुमसे भी ये झाड़ू पोछा कराया जाता है? कब से करा रहे हैं तुमसे? बहुत दिन से करा रहे हैं। तो तुमने मना नहीं किया, अपने घर में नहीं बताया किसी को? बताया। फिर क्या हुआ? मैम जी जबरदस्ती। कौन मैम है? मरियम मैम। मैम क्या नाम है आपका? नीलम। आपको क्या जानकारी हुई स्कूल में? हमें ये पता चला कि बच्चे के हाथ पे ड्रिल मशीन चला दी गई है और आज बच्चे हमारी तरफ के बनते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग बता रहे थे कि आज बच्चे रो रहे हैं वहाँ पे बंद है। तो हमने कहा ऐसे कैसे बंद कर लेंगे बच्चों को, वहाँ चलो तो यहाँ पे आए, तो ये सब पता चला। इसीलिए हमने 100 नंबर डायल किया, यहाँ पे पुलिस बुलवाई, उसके बाद से ये मीडिया ले आए। तो जब यहाँ आए तो यहाँ पर सुभाष यादव जी हमारे यहाँ के कंपोजिट विद्यालय के हेडमास्टर हैं, उन्होंने बताया कि मैं कल अवकाश पर था, होटल के अवकाश पर था हमारे यहाँ, और इंचार्ज यहाँ पे मैडम थी, तो उसने ड्रिल मशीन चलाने की बात जो आई है, तो यहाँ पे जो एक संस्था है कौशल विकास योजना है, कोई तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर द्वारा उसको यहाँ पे परमिशन दी गई थी कि वो यहाँ पे बच्चों को जैसे मान लीजिए कोई बिजली का काम है ये सब सिखाने के लिए, तो वही कोई ड्रिल मशीन दे रहा, उनका इंस्ट्रक्टर का नाम नहीं मालूम मुझे, वो है।